बचपन में इतिहास के सब्जेक्ट में मानव उत्पत्ति का पाठ हम सब ने पढ़ा है। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्या वाकई में मनुष्य बंदरों का विकसित रूप है, ऐसे कई सवाल आज भी मन में उठते हैं और इसका जवाब विज्ञान अपने तरीके से देता है। यह हमारे लिए काफी भयावह है कि जिस जनजाति से हमारी शुरुआत हुई, इंसानों का क्या रहन सहन था, हम कैसे अपना जीवन व्यापन करते थे, आज उन्हीं की आबादी तेजी से घटकर 37 करोड़ रह गई है। बेशक हम बात कर रहे हैं ट्राइबल यानी जनजातीय समुदाय की। जनजातीय समुदाय जिन्हें आदिवासियों के रूप में भी जाना जाता है। आदिवासी मूल निवासी अर्थात जो शुरू से ही यहाँ रहता आ रहा है। हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाने वाले आदिवासी जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही शिद्दत से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। विश्व में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या लगभग 37 करोड़ है, जिसमें लगभग 5000 अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं और इनकी लगभग 7000 भाषाएं हैं। भारत समेत विश्व के कई देशों में आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। इनका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज और पहनावा आदि बाकी अन्य लोगों से अलग है और यही वजह है कि आदिवासी समाज के उत्थान और उनकी संस्कृति एवं सम्मान को बचाने साथ ही जागरूकता के लिए हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पूरे दुनिया में मूल निवासी इसलिए मनाया जा रहा है कि उसके पीछे का रीजन ये है कि मूल निवासी दिन आदिवासी को अधिकार का दिन है, आदिवासी के सांस्कृतिक आइडेंटिफिकेशन का दिन है। मूल निवासी दिन ये विश्वव्यापी अधिकार का दिन है। भारत देश में आदिवासी को मूल निवासी पहचान नहीं होने की वजह से आदिवासी को विश्वव्यापी अधिकार नहीं मिल रहे। देश दुनिया में तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस समाज की मुख्य धारा से कटे होने की वजह से दुनिया भर में आदिवासी लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। भारत की बात करें तो देश की आजादी में आदिवासी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का नाम काफी ऊंचा है। उन्होंने झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गोंडवाना इतिहास के बारे में बात की जाए तो महाराष्ट्र में स्थित नागपुर शहर की स्थापना गोंडवाना के महान शासक राजा भक्त बुलंद शाह उइके द्वारा की गई थी। गोंडवाना साम्राज्य के पुराने एवं महान संस्कृति के प्रगति और संरक्षण के लिए गोंडवाना शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी बंधुओं का बलिदान भी है, जिसकी शहादत को याद दिलाता आदिवासी गोवारी शहीद उड़ान पुल खड़ा है। लड़ाई सड़कों की हो या कागज की, आज की नई आदिवासी पीढ़ी ने संघर्ष को एक नई दिशा दी है। कानूनों में होते बदलाव से लेकर 10 लाख वन निवासियों की बेदखली या फिर कंपनियों को बेचने तक के निर्णयों का देश में हर आदिवासी विरोध करता आ रहा है। ये हक की लड़ाई जल जंगल जमीन, ये है वक्त की लड़ाई जल जंगल जमीन। एक तरफ पूरी दुनिया में सभी पूंजीवादी व्यवस्थाएं संसाधनों पर अपना कब्जा कर रही है तो दूसरी तरफ बचे कुचे संसाधनों से निर्वहन कर रहे आदिवासी जमीन और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लडीला साम्राज्यवादी कदन कोले रे साथियों, आदिवासी उजड़ गए रे भाइयों, आदिवासी उजड़ गए रे भाइयों, आदिवासी उजड़ गए रे भाइयों। आदिवासी मूलवासी विस्थापन हुए रे भाई।
इन सभी के बावजूद हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आखिर आदिवासी कब तक अपने जल, जंगल, जमीन सरकार और कॉरपोरेट से बचा पाएंगे। जो कि अब 21वीं सदी में भारत को पहली आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति मिली है, जो कि यह पल आदिवासियों के लिए काफी खास है। कहा जा रहा है कि वह आदिवासियों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, खासकर गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए। लेकिन बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को ऐसे समय में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है जब कई आदिवासी संगठन और नेता ये मांग कर रहे हैं कि जनगणना में आदिवासियों को हिंदुओं से अलग गिना जाए। साथ ही कई आदिवासी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि उनकी धार्मिक परंपराएं अलग हैं, इसलिए उन पर हिंदू कोड नहीं बल्कि सरना कोड लागू हो। हम मौजूदा राष्ट्रपति को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की तरह ही देखते हैं और आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, हिंदू मान्यता अनुसार जो परंपराएं हैं भिन्न हैं, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण का लाभ उठाने के बाद आदिवासी अपने आप को हिंदू और धर्म के करीब पाते हैं या अपने आप को हिंदू बनाने का जो प्रयास करते हैं, ये जो वैचारिक तालमेल है ये बहुत खाई की तरह है। एक और जहां आदिवासी खुद को सरना कोड के करीब पाता है तो वही दूसरी ओर आदिवासी अपना हिंदू जो करण बढ़ रहा है उस पर भी अपने आप को शामिल पाता है। संविधान के मुताबिक आदिवासी आदिवासी नहीं है। इस देश में आदिवासी नाम का कोई कानून नहीं है। जो भी कानून है वो अनुसूचित जमाति जनजाति के नाम पे है। जनजाति ये इशू जाति व्यवस्था में लपेटने वाला इशू है। अभी इस देश में 75 साल का सवर्ण महोत्सव मनाया जा रहा है। उस सवर्ण महोत्सव में आदिवासी मुर्मू मैडम को यानी द्रौपदी मैडम को राष्ट्रपति बनाया गया है। राष्ट्रपति बनाते समय पहले दिन वो मंदिर की झाड़ू मारते हुए दिखी आपको। कितनी विडंबना है कि देश के राष्ट्रपति उसका अभिषेक किया गया, राष्ट्रपति बनने पहले उसका शुद्धिकरण किया गया। यही नहीं तो इसके पहले के राष्ट्रपति ही थे, उनको मंदिर में नहीं जाना दिया गया। मंदिर में जाने के बाद में गोमूत्र करके उसका मंदिर साफ सुथरा कराया गया। अगर मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती है, अगर मूल निवासी है, तो उन्होंने अपना संस्कृति का पालन करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं आता। ये लड़ाई सीधे तौर पर जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की पूंजीपतियों से है, जो इनकी संस्कृति और विरासत को ध्वस्त कर रहे हैं। आदिवासियों का नारा ही थे और बिरसा मुंडा जी का भी नारा है, जल, जमीन, जंगल। इस पे आदिवासियों का पहले हक है, पहला अधिकार आदिवासियों का है, उसके बाद में दूसरों लोगों का। और इसमें बीजेपी ने जो वन अधिकार है हमारे, जंगल का अधिकार है हमारा, वो अधिकार हमसे छीन लेने की बात भी वो कर रहे हैं। इसीलिए अभी अभी आपने देखा होगा कि एक संसद में उन्होंने एक विधेयक लाया था कि जंगलों में से आदिवासियों का जो अधिकार है वो दूसरे लोगों को या संस्थाओं को देने का, इसका लोगों से बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। और मुझे लगता नहीं कि हमारे आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो इस पर खुले दिमाग से काम करेंगे नहीं। क्यों? तो आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति क्या है। जो सरकार है, जो सरकार बोलेंगी, जो प्रधान बोलेगा, जो पीएम बोलेगा, वही उनको करना है, उसके विपरीत वो कर नहीं सकते। उनको अधिकार है, यदि उन्होंने अपने अधिकार का खुल से उपयोग किया, दिल से उपयोग किया, तो उन्होंने जो षड्यंत्र आदिवासियों को जंगल में से निकालने का कर रहे हैं, वो उनका सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रपति महोदय जी इस बारे में कोई काम करेंगे या इस बारे में कुछ बात करेंगे। आदिवासी स्वशासन के विचार के बिना आदिवासी विकास का विचार पूरा नहीं हो सकता है। आदिवासी क्षेत्र में हिंसा को रोकना उस क्षेत्र में पिछड़ेपन पर काबू पाने के लिए एक पूर्वापेक्षा है और आदिवासियों के पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें
उचित विकास का मौका देने के लिए आदिवासी स्वशासन पर विचार करना अनिवार्य है। पेसा अधिनियम का वास्तविक क्रियान्वयन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कि पेसा कायदे में जहाँ बहुसंख्या आदिवासी है, समझ जाओ अभी गढ़चूर जिला में, पारगर जिले में जो पेसा कायदा लागू है कुछ भागों में, तो वो आदिवासी की जनसंख्या पे वहाँ का रिजर्वेशन होता है, वहाँ की जो नियुक्तियाँ होती है, सरकारी भर्ती, ये हो गए। लेकिन आज पेसा कायदा रखना तो जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी नहीं बची तो वो पेसा कायदे से आदिवासियों को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के पेसा कायदा ऐसा लगा है सरसकट, समझ जाओ एकादे जिले में दो तहसील आदिवासी की 80-90% है और दूसरे तहसील में आदिवासी कम है, और वो डिस्ट्रिक्ट में अगर पेसा कायदा लगाया तो ओबीसी पे अन्याय होता है। इसलिए आदिवासियों की जनगणना करके, जनगणना के आधार पे, सेंसस के आधार पे पेसा कायदा लागू करना चाहिए। और मेरा माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये नम्र निवेदन है कि पूरी आदिवासियों की जनगणना होना चाहिए भारत में, जैसे इंग्रज लोग करते थे, आज वो नहीं हो रहा। इन लड़ाइयों को नई दिशा और राह देकर समाज के युवाओं ने संघर्षों को ताकत और मजबूती दी है, जिसका जीता जागता उदाहरण आदिवासी समाज से आए बच्चों में देखा जा सकता है, जो हर रोज ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छूकर देश के लिए अपने खेलों से मेडल जीतकर ला रहे हैं, जो कभी न कभी जीत के करीब जरूर ले जाएगा।